लाल भाई, जिला भिवानी और गांव है यो दिराना। और इस दिराना मैं दो बारी बुलाया गया हूँ, मतलब पीछे एक बहस चिपी थी भाई, उस टाइम बुलाया था। और भाई ईब एक जो है युवा था, युवा और अच्छा यो कौन था? अपना भाई है जी, भाई है तो आपका लड़का जी। अच्छा अच्छा, तो ये तार पहले तय टूट रहे थे या फिर किस तरह कुछ? तार एकदम अचानक टूटा है जी, अचानक टूटा है। हाँ, टूटे रात को टूटा पड़ा था जी ये। अच्छा, अपना भाई घूमने आया था। अच्छा, और उसके ऊपर पांव टेकने से उसकी मौत हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिजली महकमा भी आ रहा है? आ रहा है जी। अच्छा, एसडीओ साहब। मैं अंकित कुमार, एसडीओ शहर से। ये रजनीश तिवारी जी, एसडीओ जिनके पास एरिया है। अच्छा अच्छा, आपका एरिया लागे जी। अच्छा, कोई अड़त शिकायत गई थी कि तार कमजोर है, इसको बदलवा जाए, ऐसा कुछ? ऐसी कोई रिटर्न इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास, मैंने अभी पूछी तो अभी तक तो आई नहीं। अच्छा, और बाकी जैसे अभी ये जब हुआ है इंसिडेंट, उस टाइम पे जैसे फीडर ब्रेकडाउन होता है, कोई तार टूटता है उस टाइम, तो ना कोई ट्रिपिंग है ना ब्रेकडाउन है। अच्छा, तो जिससे ना तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली ना उस टाइम पे कोई गांव वालों को पता चला, इन्हें भी सुबह पता चला। अच्छा, तो सुबह जब पता चला तो फिर जेई को पता चला, फिर मेरे को फ़ोन किया गया, फिर एक्शन को और डीसी ऑफिस से फ़ोन आया। अच्छा, तो उसके बाद फिर हम मतलब यहाँ पे आए। तो अब इसकी जो है प्रॉपर तहकीकात के लिए, मतलब प्रॉपर वीडियोग्राफी कर दी गई, इनको एश्योरेंस भी दिया गया कि जो डिपार्टमेंट की तरफ से इनको जो बेनिफिट होगा वो सुनिश्चित कराया जाएगा। और जो मतलब एज ए इंसान हम आपस में कर सकते हैं तो वो भी इनको, मतलब आपका दौरा नू कौन थी कि भैया तार कमज़ोर हैं इनको बदलवा जाए, ऐसा कुछ नहीं था? ऐसी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसे होते तो जैसे हमने अभी गर्मियों में कई जगह 8 फीडरों का काम करवाया है, जिसके अलग अलग करे हैं, तार भी चेंज करे हैं, झरवाई का भी है, जो 16 घंटे चल रही है तो उसको 24 घंटे भी चलवाया है। और ये जो लो धिराना फीडर है ये अंडर लोड है, जैसे लोड के हिसाब से तार का साइज चेंज होता है। अच्छा अच्छा, तो कभी कुछ ओवरलोडिंग की दिक्कत नहीं आई, तो जो ना इस पर कभी मतलब कुछ वैसे पॉइंट आउट होता है, ओवरलोड से ध्यान रखता है कि इसके तार को ऑगमेंट करना है, ये करना है, और ना कोई मतलब कम्युनिकेशन ऐसी आई। अगर ऐसी आती तो बाकी मतलब एक होता है कि प्रॉपर हाइट है, हाइट तो प्रॉपर है यहाँ पे, तो वही अचानक से कैसे क्या कि मे बी जैसे अभी तक तो पता ये चल रहा है कि शायद ओस में जैसे क्या होता है, इंसुलेटर वगैरह पंचर हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो इंसुलेटर पंचर से ऊपर से इसका वो हट चुका होगा, उस वजह से मे बी नीचे आज ये जा रहे होंगे तो उस टाइम पे ये गिर गया, तो ये इस वजह से हो सकता है। चलो चलो, तो देखो साहब ने जो है आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का, और जो भी होगा मैं मतलब वो दिया जाएगा। तो प्रदीप भाई क्या कहना है इस बारे में बताओ। नमस्कार भाई साहब जी, मेरा ये कहना है कि अपना भाई है, इसके परिवार वालों को पूरी सहायता मिलनी चाहिए जी। हाँ जी, ताऊ जी। अच्छा अच्छा, आपका भाई है? हाँ जी भाई है, बड़ा सगा ताऊ का लड़का था। अच्छा अच्छा, क्या काम करया करता है? काम तो मजदूरी करया करता है। मजदूरी करया करता है। अच्छा अच्छा, तो शाम ना मतलब बता क्या था, मैं घूम क्या हूँ ऐसा कुछ? हाँ, शाम ना 9 बजे तक तो घर बैठे रहे हो। अच्छा, आग बस सिकने लग रहा था अपना। अच्छा, तेरी लेटरिंग पानी खातर भी साइड घूमने आया हुआ 9 बजे के बाद में। अच्छा अच्छा, आते हो बिजली का तार टूट रहा था उस टाइम। तो पैर अलग गया हुआ इसका। बस यो फेर अलग दिनों बाद निकले नहीं, करंट आ रहा था इसमें जी जी। तो भाई साहब ये जो है साहब ने जो है, हाँ डकवा दो, डकवा दो, डकवा दो कोई ना। तो साहब ने जो बात कही उसको आश्वासन तो दिया है, अभी मारी भी है अपील, अभी महकमा की तरफ से भाई पूरी मदद मिला है। हाँ हाँ हाँ, बाकी साहब ने भी कहें एस्टीमेट बना के भेज देंगे, जितनी मदद होगी उतनी करवाएंगे। चलो पूरा काम राम नुए चाहो जी, ठीक है साहब। एक आश्वासन ना दियो, देखो एक गरीब का बच्चा है। नहीं गरीब, हम भी गरीब से ही उठ के आए हैं, तो हमें गरीबी का पता है कि एक्चुअली क्या है, जान की कीमत सबकी होती है, इसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। तो जो इसकी प्रॉपर केस हिस्ट्री है, जो भी हमारे डिपार्टमेंट से मैक्सिमम इनको सहायता मिल सकती है वो प्रॉपर दिलाने के लिए मैं अपनी तरफ से सुनिश्चित करूँगा। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है जी। तो आ जाओ भाई, साइड सरपंच आ रहा है कि सरपंच कौन सा है? बुलाओ एक बार, बुलाओ सरपंच ने, बुलाओ। कौन सा? अच्छा अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार, ठीक हो? हाँ ठीक है जी। तो देखो एक बार मैं बहस चिपी थी आपका गांव में चिपी थी, उस टाइम भी मैं बुलाया था, और फिर जो है बिजली महकमा का ये जो है यो मेरे द्वारा जो है मामला है, तो मतलब
की चल रहा है, मतलब तार कमजोर है या फिर आपने बदलवाने की कोशिश करी, किस तरह के है जो बताओ बड़ी। देखो ये तार तो वैसे कमजोर लग ही रहे हैं काफी दिनों से, ये तार मतलब लाइट जब से आई थी उसी टाइम के तार है ये। अच्छा, इनको ठीक करना चाहिए मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट ने जी। अच्छा, आपकी कोई मांग? हमारी मांग यह है कि पूरी इसकी इंक्वायरी करके और इसको ज्यादा से ज्यादा मतलब इसका भरपाई करी जाए जी। तो इब साहब ने जो है आश्वासन दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी, आप संतुष्ट हो? हाँ जी, ठीक है। तो एक दुर्घटना होगी है, बताओ भाई। दुर्घटना तो ये अकस्मात मौत हो गई भाई। युवा लड़का था, यहाँ घूमने के लिए आया था और अचानक से भाई ये शायद हमारा गाँव में बिजली आई है तब से ये तारे लगे हुए हैं जी। तो ये गलत है। वैसे कई बार योजना आ चुकी है, जगमग योजना आ चुकी है, बहुत योजनाएं आई हैं और उस पर कोई गौर नहीं हुई है। तो भाई मैं तो महकमे से यही रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, अच्छे तरीके से अच्छे बढ़िया क्वालिटी के तार लगाएं भाई, आगे भविष्य में ये दुर्घटना ना हो भाई। हमारी यही डिमांड है भाई, हर तार को रिपेयर किया जाए। आगे भविष्य में कोई लड़का है या पशु है, जीव जंतु है यार भाई, कोई भी अगर इसके अंदर अकस्मात हो जाता है तो भाई बहुत दिल पर ठेस पहुँचती है। आज इनको परिवार को गरीब परिवार है, हम तो महकमे से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इनको आर्थिक सहायता ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए भाई, ताकि इनके परिवार वालों को भाई इसकी भाई भनक न लगे भाई, आगे भविष्य में इसका थोड़ा वो नहीं हो। देखो भाई, इंसान चला गया वो दोबारा तो आता नहीं, ठीक है ना? हाँ, तो भाई इसके परिवार वालों को जो भी भाई आर्थिक सहायता दी जाए भाई, गाँव वाला पूरा सहयोग देंगे। और भाई आज सभी सारा गाँव एक बार एकजुट होकर के बिल्कुल दिल पे लगी हुई है सारे गांव को। देखो एक दिन से एक दिन पड़ता जाएगा तो भाई इस पर बोल पड़ेगी। आज जो गांव पर दिल पे बीच रही है ना, तो भाई आज सारा गांव इकट्ठा होके आ रहा है और भाई सारे इसके उसमें लग रहे हैं। तो भाई हम तो महकमे तो यही कहवा भाई, झूठा आश्वासन नहीं दे भाई हम भाई, बाद में हम देखो कार्रवाई करने पर है ना पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि हम वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि हमारे दिल पर जो आज है तो कल भी वही रहेगा। हाँ, अगर जो उस टाइम पर महकमा पीछे हटेगा तो भाई हम आगे कार्रवाई जरूर कराएंगे। ठीक है, ठीक। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो वही एक बार पीछे। जगदीश जी नमस्कार। हाँ जी, ठीक हो? ठीक हाँ जी। तो सर कब पता चला इसका और किस तरह की हुआ, थोड़ा बताओ। यहाँ 9:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी, कोई एक बंदा करंट से एक्सपायर हो गया, तो मौके पर आए हैं, कोई कंप्लेंट वगैरह अभी दी नहीं, जैसे कंप्लेंट दें कार्रवाई की जाएगी। चलो, तो भाई आपने जो है ये लड़का जो बता रहे हैं गरीब परिवार का है, जो है इब जो बिजली महकमा है उनने कही है कि भाई जो है कार्रवाई करी जाएगी और जितना होगा इस परिवार का जो है सहयोग करा जाएगा। तो भाई इस तरह जो है मामले आंदे रहे हैं, अगर आपने ये लगा है कि तार कमज़ोर है, खंभा कमज़ोर है, तो भाई उसकी एप्लीकेशन दो ताकि इस तरह की जो है दुर्घटना ना हो। तो इस पूरा मामला लेके के कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो भाई।